Hey guys, my name is Sam और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल में भी जिसका नाम है Sam X Bad Boy। So guys, मैं अभी आया था यूट्यूब पे, सोचा था कोई रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और मैं स्क्रॉल कर रहा था और मुझे ये ऐसा अजीब और गरीब वीडियो मिला है भोसड़ी का। ये कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तुम अगर वीडियो देखोगे ना गाइस, तुम्हें चप्पल निकाल के मारने का मन करेगा। मार दे साले का, खोपड़ी तोड़ साले। भेंडी खतरनाक वाला सीन। अरे मैं थोड़ी देर के लिए भेंडी, मेरा हार्ट मेरे किडनी में चला गया था। मैं बोला ये क्या सीन है, व्यूज और लाइक्स के लिए कुछ भी करते हैं लोग भाई, कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते। और वो यही नहीं कि सिर्फ एक वीडियो बनाया बंदे ने, मैं उस बंदे के चैनल में भी जाके आया हूँ। हर किसी को मार रहा है भेंड, जो जिंदा लोगों को भी ये खत्म कर रहा है। और वो भी पोस्टर्स, उसके थंबनेल ही ऐसे ना कि इंसान ना चाहते हुए भी वो वीडियो 10 बार देखेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी बकचोदी के। हे भगवान, ये क्या हुआ अचानक एमसी स्टैन को? जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर और दुखी खबर आ रही है। एमसी स्टैन आखिर कैसे निधन हो गया एमसी स्टैन? अरे मारो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। कहाँ से आते ये लोग? उसका आवाज सुनो भाई, आवाज सुनो, मेरे को आवाज बहुत पसंद आ रही है उसकी, खतरनाक वाली है। भगवान, ये क्या हुआ अचानक एमसी स्टैन को? जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर और दुखी खबर आ रही है। एमसी स्टैन आखिर कैसे निधन हो गया एमसी स्टैन का? जी हाँ दोस्तों, एमसी स्टैन आज हमारे बीच नहीं रहे। आखिर कैसे निधन हो गया उनका, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो आप देखेंगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, आपके पैरों। उसका आवाज देखने लायक, सुनने लायक है भाई, देखने लायक भी है। तो एमसी स्टैन का निधन हो चुका है और हमारे बीच में नहीं रही है। अच्छा गावत, अरे वेंचर ऐसे वीडियो बनाएंगे, वो एमसी स्टैन उधर आत्महत्या कर लेगा, बोलेगा माधर चौधरी क्या देखना पड़ रहा है मेरे को। फिर से मेरे को आवाज सुनने का, उसका आवाज सुनने का। भगवान, ये क्या हुआ अचानक एमसी स्टैन को? जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर और दुखी खबर आ रही है। एमसी स्टैन आखिर कैसे निधन हो गया एमसी स्टैन का? जी हाँ दोस्तों, एमसी स्टैन आज हमारे बीच नहीं रहे। आखिर कैसे निधन हो गया उनका, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो आप देखेंगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि एमसी स्टैन जैसा महान रैपर हमें शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों हम सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन एमसी स्टैन को कभी नहीं भूलेंगे, जब तक हम जिंदा हैं हमारे दिलों में रहता है और हमेशा ही रहेगा एमसी स्टैन। आखिर क्या हुआ एमसी स्टैन के साथ? जी हाँ दोस्तों, वो इमोशनली डैमेज कर रहे हैं लोगों को, फुल इमोशनली डैमेज। अब्दू के फोटो डाल रहे हैं फुल बीच में ताकि लोगों को फुल यकीन हो जाए। ये बोलते ना ऐसे रगट क्या बोलते रगिल जैसा झूठ बोलने का सामने वाले को, भेंचो सच लगने लगता। एमसी स्टैन जैसा रैपर, ऐसा महान सिंगर हमें हजारों क्या करोड़ों सालों में भी नहीं मिलेगा। दोस्तों हम सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन एमसी स्टैन को कभी नहीं भूलेंगे। हालिया बिग बॉस के विनर थे, जी हाँ दोस्तों, सबके दिल की धड़कन थे। इसके फैन फॉलोअर बच्चे बूढ़े सबके सब हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा महान रैपर। जी हाँ दोस्तों, एमसी स्टैन गाने की शूटिंग खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक उनके गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से भोसड़ी के वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, ब्रेक फेल उसका कैसे होगा? मेरा भाई क्या सोच के वीडियो बनाते हैं, कहाँ से ढूंगन में तेरा दिमाग है, तेरा सर तेरे ढूंगन में गैला है, सरक के नीचे 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 तेरे ढूंगन तक गैला है, वो तेरी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। तुम लोग देख रहे हो भाई की बकचोदी, देख रहे हो वीडियो उसका ऑलमोस्ट खत्म होने को आया और उसने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आइए देखते हैं कैसे मरे एमसी स्टैन, और भेंडी ने अभी तक नहीं बताया, सिर्फ उसके बारे में बोलते जा रहे हैं। गाड़ी है ना वो दूसरी गाड़ी से जा टकराई और एमसी स्टैन को शदीद चोटें लगी हैं और वो अब एडमिट हो गए हैं मुंबई की बड़ी। अरे भैया फोटो किसका डाल दिए, माँ कसम। अबे इसके घर वाले देखेंगे ना भोसड़ी के, घर में आके चप्पल से मारेंगे, किसका भी फोटो नहीं डालते जा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों का कहना है कि उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन आप हम सब की दुआएं और प्रार्थनाओं की जरूरत है एमसी। देखो गाइस, अभी इसने क्या बोला, डॉक्टरों ने कहा है बचाना मुश्किल है और ये कमीने ने ढूंगन में दिमाग वाले ने इसने ऑलरेडी थंबनेल पे डाल चुका है RIP एमसी स्टैन पास्ट अवे RIP ब्रो।
स्टैंड को दोस्तों आओ मिलके दुआएं प्रार्थनाएं करें ताकि हमारा एमसी स्टैंड जल्दी से ठीक हो दोस्तों। बाकी उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, उनकी निधन की खबरें दोस्तों झूठी हैं, इन पर तवज्जो ना दें, बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये झूठी क्योंकि दोस्तों ये खबरें सिर्फ सोशल मीडिया से फैलाई जा रही हैं कि एमसी स्टैन का निधन हो गया है। हालांकि उनका हमारे हीरो का निधन नहीं हो गया है दोस्तों, लेकिन उनकी क्रिटिकल कंडीशन है बिल्कुल। अगली न्यूज देखा, कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का, खुद ने वीडियो बनाया है कि एमसी स्टैन मर चुका है और भोसड़ी वाला बोल रहा है कि दूसरे जो अफवाह फैला रहे हैं उसके ऊपर यकीन ना करो। खुद का टाइटल क्या है इसका, टाइटल खुद का टाइटल है आरआईपी ब्रोकर के माफ लेकर आएंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एमसी स्टैन के बारे में और अच्छी खबर लेकर आएंगे, तब तक हमें दे इजाजत, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। अरे भैया मैं कभी कभी ऐसा लगता है ना मेरे को किसी रॉकेट वॉकेट में बैठ के वेंचर या धरती छोड़ के चला जाऊं मैं। यार ये देखना पड़ रहा है इधर कुछ भी फेमस होने के लिए, फेमस छोड़ो लेकिन लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी। अरे बाप रे, वो एमसी स्टैन देखता होगा ना, वो भगवान को बोलता होगा उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं ये सालों को उठा ले जो वीडियो बना रहे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मेरा मुंह दुख रहा है हंस हंस के। सो गाइस आज के लिए इतना ही, रिएक्शन वीडियो में किसी और पे बनाने वाला था, कोई गाने पे या फिर कोई ट्रेलर पे, फास्ट एक्स का भी ट्रेलर आ चुका है, मैं उसके ऊपर एक्चुअली रिएक्शन वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जैसे यूट्यूब ऑन किया ये खबर फैली हुई थी खतरनाक जैसे। और भाई ने दो दिन पहले वीडियो डाला है और 25K क्रॉस कर चुका है और सब्सक्राइबर भेंचोद उसके 400 भी नहीं है। कितना तुम लोग क्या सोचते हो, अरे चूते पर कभी एक क्या बोलते हैं उसको, एक लिमिट रहती है भाई, थोड़ा सोचो, दिमाग सर में रहता है ढूंगन में नहीं, तो ढूंगन से सोचना बंद करो, सर से सोचो, थोड़ा देखो किसको देखना है किसको नहीं देखना है, ये तुम लोगों की चॉइस है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा तुम लोगों को, लेकिन ऐसे चूतिया पाको तो ये ना करो। और गाइज कुछ चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को भी अप्रिशिएट करता हूँ, इतने सारे वीडियोज़ उसने बनाए हैं, ये मर गया वो मर गया, पर भोसड़ी वाले का अभी भी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यही चाहिए। अगर उसको तुम लोग ज़्यादा बढ़ावा नहीं दोगे तो आगे जाके वो ऐसे वीडियो नहीं बनाएगा। एक फन पार्ट अलग रहा, लेकिन किसी के मरने की ऐसी झूठी खबर फैलाना इट्स नॉट गुड, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये। और आप लोग इसको सपोर्ट ना करो कभी भी, ऐसा कोई वीडियो दिखे तो रिपोर्ट मार के बात खत्म करो। तो चलो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अपन किसी के मरने की झूठी खबर तो नहीं बताएंगे लेकिन चलो जो है वो है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।